हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सीमा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर ये पत्थर शिफ्ट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मिस्त्री लोग आ नहीं रहे हैं, काम हो नहीं रहा अभी, और ये पत्थर की वजह से पूरी विंडो कवर है, जिसकी वजह से हम लोग कूलर नहीं लगा पा रहे हैं। और इधर 4-5 दिन से बहुत गर्म हो रही है। आप सभी लोग भाई जो लोग यूपी में रहते हैं, यूपी में बहुत गर्म है इस वक्त, तो इसीलिए देखिए खिड़की से मैं शिफ्ट कर रही थी पत्थरों को। और सोच रही हूँ कि मतलब खाली कर दूँ किस तरह धीरे धीरे करके, क्योंकि अब पहले तो अकेले करने में मन नहीं लग रहा था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था कहीं पत्थर टूट टूट ना जाए, लेकिन कोई नहीं, भगवान का नाम लेके मैंने स्टार्ट कर दिया शिफ्टिंग। और इसको इधर कॉर्नर पर लगा दे रही हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा आना जाना भी नहीं इधर, तो सेफ्टी से रखा रहेंगे। और देखिए मेरा बेटा कह रहा मम्मी मैं भी करवाऊँ क्या, मैंने कहा बेटा नहीं, रहने तो बहुत वजन है, आप नहीं कर पाओगे, तो बस वही मैं रख रही थी। और क्या किया जाए यार, कोई करने वाला नहीं है तो खुद ही करना पड़ता है। बच्चे गर्मी में बहुत परेशान है, रात भर इतनी गर्म पड़ती है कि मैं छत में भी नहीं जा सकती बच्चों को ले, क्योंकि इतने बंदर लगते हैं, डर लगा करता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैं सोच रही थी कि कई दिन से सोच रही थी, पर आज मैंने कर ही दिया फाइनली। तो चलिए फटाफट पत्थर रख लेती हूँ, उसके बाद यहाँ कूलर शिफ्ट करूँगी, लगाऊँगी। आप देख सकते हैं, देखिए जीने के नीचे पूरे टाइल्स रखी हुई हैं। और देखिए मैंने किसी दूसरे मिस्त्री से बात किया है, शायद आ जाए वो, तो कह रहे थे कि 2 दिन बाद आएंगे मैडम। देखिए क्या होता है यार, कभी कभी ना कोई कोई मिस्त्री लेबर इतने दगेबाज मिल जाते हैं कि दिमाग ख़राब हो जाता है, लगता है मतलब कहाँ से हमने काम दे दिया, पैसे भी ले लिए लेकिन काम भी नहीं किया, मतलब तो थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है ना, और कुछ नहीं। तो चलिए मैं इनको रख देती हूँ जल्दी जल्दी, और रखने के बाद फिर देखते हैं, वहाँ साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि खिड़की काफ़ी दिन से कवर है तो इसको साफ़ सफाई भी थोड़ा करना पड़ेगा, वहाँ जाले वाले लग गए होंगे, झाड़ना पड़ेगा। फिर कूलर लाएंगे धीरे धीरे किसी तरह खिसका के, अब क्या किया जाए, करना ही पड़ेगा। और ये गर्मी की वजह से ही है, नहीं तो अभी तक तो इतना नहीं था, चल रहा था हमारा, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। तो हम लोग आगे हॉल में लेट जाते थे चारपाई डाल के, तो परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अभी समय और कोई स्पेस नहीं, अंदर कूलर लगाओ तो कोई फ़ायदा नहीं अंदर कूलर लगाने का, क्योंकि गर्म सी लगती इतनी ज़्यादा कि चैन नहीं पड़ती है, और ना कूलर को फ्रेश एयर नहीं मिलती है, तो कूलर ठंडी हवा भी नहीं देता है, तो लगाना ना लगाना सब बेकार है। इसी वजह से मैं एक एक पत्थर धीरे धीरे करके ऐसे खिसका खिसका के रख रही हूँ, थोड़ी दूर तक खिसका लेती हूँ, फिर थोड़ा उठा लेती हूँ। इनको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा, वरना इनमें बहुत डर का वो रहता है। तो देखिए मेरी स्कूटी खड़ी है, इसको भी रिपेयर कराना है, ये भी इसका भी फाइबर टूट चुका है। देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक काम होंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि इतना पैसा मैंने ये सब चीज़ों में लगा दिया, तो कम से कम ये फिक्स हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि यार ना मतलब अब ना विश्वास तो नहीं रह गया किसी, मतलब किसी भी चीज़ को कुछ करना चाहो, या मतलब किसी मिस्त्री लेबर को पकड़ो, उसके बाद दूसरे दिन ही गायब हो जाते हैं, कहाँ तक उनके पीछे भागते रहो। मतलब पैसे ना दो तो रोने लगेंगे कि मैडम पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, हमारा काम कैसे चलेगा, पैसे दे दो तो गायब भी हो जाते हैं। वही है ना कि जब कोई मतलब ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा ये कहते हैं ना हमारे इंडिया में कहेंगे ना कि पुरुष प्रधान देश है, तो जब तक तो कोई याद भी नहीं होता तो लोग ऐसे ही करते हैं। देखिए मेरी बेटी इस पे खड़ी होती है, पुताई वाला स्टैंड रखा हुआ है, सारे पत्थर यहाँ पर रख दिए हैं। और यार बहुत वेटेड है, बहुत वजन है पत्थरों में, देखिए आप देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। तो आप देखिए ये सारे पत्थर मैंने यहाँ रख दिए हैं, उस जगह मैं कूलर लगाऊंगी, क्योंकि इस वक्त बहुत गर्मी है, और जब तक कूलर में बाहर की थोड़ी हवा नहीं लगती है तब तक कूलर का मतलब हवा भी ठंडी नहीं आती है, तो इसीलिए बच्चे परेशान रहते हैं, रात सो नहीं पाते। तो चलिए मैं थोड़ा काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी, खिड़की में काफ़ी जाले वाले लगे हैं, तो ये साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब यहाँ कूलर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर क्लीनिंग में दिक्कत हो जाएगी। और ये आपको देख रही है, दिख रहा होगा ये जो दरार जैसी है ऐसे, यार आप लोगों के घर में किसी की ऐसा हो या किस वजह से होता हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं समझ नहीं पा रही। अभी मेरा बहुत पुराना मकान नहीं है, अभी मुश्किल से ही 5 साल का हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे बीच बीच जगह जगह कई जगह क्रैक्स आ गई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है इसका रीज़न। और मिस्त्री लोगों से पूछो तो वो भी कुछ सही बात बताते नहीं है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, पता नहीं क्या है, देखती हूँ इसको फिर से, मुझे प्लास्टर कराना पड़ेगा अभी। और देखिए ये पिक्चर मेरे बच्चों की स्कूल की है,
तो उधर की तरफ बेटे ने कैमरा घुमा दिया था। अब मैं यहाँ खिड़की अच्छी तरीके से अंदर से भी साफ़ करे ले रही हूँ, और साफ़ करने के बाद फिर मैं कूलर लगाऊंगी। और देखिए बच्चों ने कुछ कुछ टांग दिया है यहाँ पर, देखिए वही मैंने पन्नी से कवर कर दिया था पिक्चर्स को, तो बच्चों ने डबल साइडेड टेप से चिपका दिया है रूम में। और मैं यहाँ पे अभी ब्रश से जाले साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू से ढंग से हो नहीं रहा था, तो मैंने ब्रश से साफ़ कर लिया है अच्छी तरीके से। और बस थोड़ा साफ़ हो जाएगा तभी कूलर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक बार कोई चीज़ रख गई ना अच्छी तरीके से तो फिर उसको उस जगह से साफ़ सफाई करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, और कोई नहीं बात। तो और देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी तेज़ धूप है, बाहर गेट है ना खिड़की के सामने, तो वहाँ से आ रही है धूप। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 9 ही बज रहे हैं, लेकिन कितनी तेज़ धूप है, सच में बहुत गर्म पड़ रही है। तो इसी वजह से, और मैं कूलर इसी पर्पज़ से इस खिड़की पे रखती हूँ, क्योंकि ये गेट है तो गेट के ऊपर की जाले से हवा आती रहती है, तो कूलर यहाँ अच्छी फ्रेश एयर देता है। तो अब मैं जो बाहर साइड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का था वो साफ़ कर रही थी। अब ये करने के बाद ही अब तुरंत मतलब ये जो पर्दा ऊपर टंगा हुआ था इसको मैं एक साइड कर दे रही हूँ, ताकि फंसे ना रखने में। और यहाँ पे अब मैं रूम में झाड़ू निकाले ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ये कचड़ा हो गया था इसमें, तो मैं इसको निकाल लूँगी झाड़ू, तब जाके फिर मैं कूलर खिसका के लाऊँगी, क्योंकि वो भी लाना थोड़ा कठिन काम है अकेले, क्योंकि आप सभी देख रहे हो बच्चे तो बहुत छोटे हैं। और बेटी मेरी नहाने चली गई थी क्योंकि उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो वो कहती मम्मी मैं नहा लेती हूँ। मैंने कहा बेटा ठीक है आप नहा लो जाके, तब तक मैं इधर साफ़ सफ़ाई कर लेती हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा क्रैक, पता नहीं यार क्या है, अंदर बाहर दोनों साइड पर है, देखेंगे बाद में क्या है। और ये देखिए मेरा बेटा है जो हो सकता है बेचारा हेल्प कराता है काफ़ी हद तक, और ये इसको मैं डांटती भी तब भी मेरे पीछे पीछे लगा रहेगा। तो यही होता है ना बच्चे, मतलब वो कहेंगे ना अपने बच्चे अपने ही होते हैं, चाहे आप इनको डांटो चाहे कुछ भी करो, अगर माँ को अटैचमेंट रहता बच्चों से तो बच्चों को भी मतलब अपने माँ बाप से बहुत प्यार रहता है, और बच्चे हेल्प कराते ही रहते हैं। और मैं कचरा इसलिए पूरा बाहर कर ले रही हूँ, आंगन में कर दूँगी फिर आगे झाड़ूंगी इस वजह से, क्योंकि जब कूलर खिसकाएंगे ना तो कचरा रहेगा तो फिर दिक्कत होती है। और देखिए मैं रूम के अंदर कूलर ले आई हूँ, और अब इसको धीरे धीरे करके खिसका के ले जाऊँगी, क्योंकि इसके में व्हील्स नहीं है, दो व्हील इसके टूटे हुए हैं और दो साइड मैंने लकड़ी के गुटके लगा रखे हैं, तो थोड़ा खिसकाने दिक्कत होती है, पर फिर भी कोई नहीं थोड़ा थोड़ा करके खिसका लाएंगे। क्योंकि आधी दूर तक तो आपको दिख रहा आ ही चुका है दरवाजे से, ये मेरे आंगन का दरवाज़ा आपको दिख रहा होगा। अब ये देखिए ये अभी तक ये वाला जो विंडो वाला दरवाज़ा दिख रहा है इसी से हमें बाहर ले जाना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले कूलर को इस में रख दे रही हूँ, क्या नाम है ये बेड पे, थोड़ा सा रखने से क्या होगा फिर मैं स्टैंड वहाँ सेट करूँगी, क्योंकि वहाँ पत्थर और टाइल्स थोड़ी भी मतलब पत्थर तो मैंने रख दिए हैं लेकिन टाइल्स रखी हुई हैं, तो उसी के हिसाब से सेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं ये रखूँगी। तो चलिए इसको मैं पहले कूलर को बेड में रख दे रही हूँ, धीरे से मैंने कोशिश करके रख दी, चलिए हमारी कोशिश भी कामयाब हो गई। और अब स्टैंड को मैं खिड़की के सामने शिफ्ट कर दे रही हूँ, और अच्छी तरीके से इसको मजबूती से रख दूँगी, जहाँ भी ईंट पत्थर लगाने की ज़रूरत होगी लगा दूँगी। तो वही मेरा बेटा भी साथ में लगा हुआ था, जो चीज़ की ज़रूरत होती है तो ला देते हैं उठा के बच्चे, तो फिर हेल्प हो जाती है काफ़ी, मतलब हमें बार बार जाना नहीं पड़ता है। तो चलिए कूलर रख लेते हैं। तो फाइनली गाइस देखिए हमारा कूलर सेट हो गया है और लाइट चली गई, आपको रुक जाइए मैं बताऊँ। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर नहीं चल रहा है, तो लाइट चली गई है। और ये देखिए कूलर की पंखियाँ घूम रही, बस हमने सेट करके चेक किया था तो चलने लगा था, और जस्ट अभी लाइट चली गई है, तो अभी देखते हैं जब लाइट आएगी फिर चलाएंगे। ये एक ही मेहनत कामयाब हो गई। और दो तीन दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है, तो उसके बाद मैंने कूलर जब सेट वेट किया उसके बाद मैंने साफ सफाई करके अपना जो भी थोड़ा बहुत काम बचा था वो करके नहा धो ली, और मैंने सोचा वीडियो का एंड भी कर देती हूँ अभी। तो थोड़ा सा वही नहाने धोने के बाद अभी हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद बैठी हूँ मैं, और बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे अभी तक, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं वीडियो का एंड करूँगी बाद में थोड़ा। तो अब मैंने उसी बीच मैं नहा धो चुकी, वे टू रहन दो अभी, तो बस यही है बच्चों का तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो फ्रेंड्स मैं अपनी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँ किसी अच्छे से वीडियो ब्लॉग में। और क्या करूँ यार अकेले कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, यहाँ तो मिस्त्री लेबर ऐसे मिल जाते हैं ना काम कर मतलब पैसे देने के बावजूद भी काम नहीं करते हैं, इसीलिए तभी कभी कभी लगा करता है कि मतलब अकेली औरत का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास कोई सपोर्ट ना हो। तो चलिए ठीक है, मेरा वीडियो ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।
तब तक के लिए आप सभी से बाय, और फिर मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो ब्लॉग में। और यार आपसे सच बताऊँ, मुझे ना फेक वीडियोस बनाने या मान लीजिए मैं अपने आप को बहुत मेंटेन करके, पहली बात तो मुझे सजने धजने वगैरह करने की इच्छा ही नहीं होती है, और दूसरी बात ये है कि मतलब अगर यार हम थोड़ी देर के लिए बहुत मेंटेन करके भी शूट करते हैं कुछ करते हैं, तो फिर यार डेली ब्लॉगिंग का मतलब क्या है। डेली ब्लॉगिंग तो वही होती है, हम जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहिए, और ये नहीं है कि हम अपने आप को मेंटेन करके लिए आधा घंटा एक घंटे के लिए बैठ के हमने वीडियो बना लिया, ऐसा कुछ नहीं। मेरा ये सोचना है, ये मतलब पाबंदी नहीं, हर इंसान अपना अपना सोच रखता है अलग अलग। तो चलिए ओके, इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर।